गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट आते कहाँ से हैं और किस तरह से काम करते हैं? कि नेटवर्क को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल। कंप्यूटर, सर्वर, राउटर, स्थिति, हैब केबल्स इत्यादि हार्डवेयर हैं। प्रोटोकॉल नियमों के समूह को कहते हैं। इनका काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रास्ते बनाना, सभी डिवाइस को पहचान देना, डाटा को उपयोगकर्ता के समझने लायक बनाना। इन प्रकार की कंपनियां होती हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये तीनों मिलकर किसी उपभोक्ता तक इंटरनेट पहुंचाती है। ट्रैफिकल भाषा में इन सभी कंपनियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड ISP कहते हैं। टीयर 1 कंपनियों देशों को इंटरनेट से जोड़ती है। ऐसा करने के उन्हें समुद्र के अंदर केबल्स बिछाने होते हैं। ये केबल्स ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये केबल्स जहाँ जुड़ती हैं उस जगह को लैंडिंग पॉइंट कहा जाता है। आप इसे इंटरनेट के लिए बंदरगाह या पोर्ट मान सकते हैं। टीयर 2 कंपनियां इन टीयर कंपनियों से ट्रांजिट खरीदती हैं और देश भर में अपने केबल्स बिछाती हैं, अपने टावर्स लगाती हैं। ये पेयरिंग एग्रीमेंट के तहत इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज करती हैं। तीसरी कंपनियां टीयर 2 कंपनियों से इंटरनेट ट्रांजिट लेकर आपके घर तक इंटरनेट की सेवा पहुंचाती हैं। इंटरनेट की पहुंच आप तक बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग होता है, इसके रख रखाव के लिए कंपनियां आपके पैसा लेती हैं। आशा करता हूं आपकी सभी शंकाएं दूर हुई होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।